तो फाइनली इनोवा हाईक्रॉस का रीबैच मॉडल मारुति इनविक्टो आज लॉन्च हो चुका है। और मारुति इनविक्टो और इनोवा हाईक्रॉस दोनों ही गाड़ियों में आपको टोटल 7 डिफरेंसेस देखने में मिल जाएगा, जो इन दोनों ही गाड़ियों को अलग करती है अपने अपने कंपनी के तरफ से। तो ऐसी कौन कौन सी डिफरेंसेस है जो इन दोनों ही गाड़ियों को अलग करती है, जिसके बेसिस पर आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, आपको मारुति इनविक्टो में सिर्फ हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो 184 bhp के साथ 206 nm पीक टॉर्क जेनरेट करता है। कॉम्बाइंड मतलब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर ये पावर फिगर्स आपको देने वाली है। नंबर 2, आपको इनविक्टो में कोई भी एडास का फीचर देखने में नहीं मिलेगा कंपनी के तरफ से, लेकिन अगर आप हाईक्रॉस लेते हो तो वहां पर आपको एडास मिल जाएगा। नंबर 3, कंपनी फिटेड डैशकैम। मारुति इनविक्टो में आपको कंपनी फिटेड डैशकैम मिलेगा, सामने की तरफ एक कैमरा और पीछे की तरफ एक कैमरा आपको मिल जाएगा। टोटल 2 कैमरा आपको मिलने वाला है, जो आपको हाईक्रॉस में नहीं मिलेगा। नंबर 4, वेरी पोर स्टैंडर्ड वारंटी। मारुति का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर का ही स्टैंडर्ड वारंटी मिल पाता है, और मारुति इनविक्टो में भी आपको यही मिलेगा। कंपनी का ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो कंपनी को इसमें काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड वारंटी देना चाहिए था, लेकिन कंपनी इस पर भी आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर का ही स्टैंडर्ड वारंटी देगी, जबकि हाईक्रॉस में आपको 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। नंबर 5, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। वैसे मारुति इनविक्टो और इनोवा हाईक्रॉस दोनों ही काफ़ी बढ़िया माइलेज क्लेम करती है, इतनी बड़ी साइज गाड़ी होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिलता है, जिसके वजह से आपको काफ़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। लेकिन फिर भी ऑन पेपर बात करें तो थोड़ी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आपको इनविक्टो में मिलेगी, जो कि है 23.24 kmpl का, जबकि हाईक्रॉस में आपको मिलेगा 21.1 kmpl का। मतलब ऑन पेपर 2 kmpl माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाएगा इनविक्टो में। नंबर 6, टायर साइज। टायर साइज की बात करें तो इनविक्टो में आपको 17 इंच का एलॉय व्हील्स मिल जाएगा, जबकि हाईक्रॉस में आपको 18 इंच का एलॉय व्हील्स मिलेगा, मतलब 1 इंच बड़ी टायर आपको हाईक्रॉस में मिल जाएगी। अब प्राइसिंग की बात करें तो मारुति इनविक्टो सिर्फ 2 मॉडल में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, जेटा प्लस और अल्फा प्लस। तो जेटा प्लस का एक शोरूम कॉस्ट रहेगा 24.79 लाख रुपये और अल्फा प्लस का रहेगा 28.42 लाख रुपये। जेटा प्लस में आपको जो 8 सीटर मिलेगा उसमें आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप 8 सीटर भी बुक कर सकते हो, जबकि हाईक्रॉस में आपको जो VX हाइब्रिड ऑप्शन मिलता है उसका एक शोरूम कॉस्ट रहेगा 25.03 लाख रुपये और ZX ऑप्शनल टॉप मॉडल का रहेगा 29.99 लाख रुपये। मतलब 24,000 रुपये से लेकर 1.57 लाख रुपये तक मारुति इनविक्टो आपको सस्ती मिल जाएगी इनोवा हाईक्रॉस के मुकाबले। अब कॉन्क्लूजन की बात करें तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए, तो देखो अगर आपको टोयोटा पसंद है तो आप मारुति हाईक्रॉस को स्किप करके टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आप मारुति पर ट्रस्ट करते हो तो आप मारुति इनविक्टो पर जा सकते हो, आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी ये गाड़ी, क्योंकि आपको इसमें एड्रेस नहीं मिलता और कुछ फीचर ऐसे भी है जो आपको इनविक्टो में नहीं मिलता लेकिन हाईक्रॉस में मिल जाता है। तो अगर आप वो फीचर चाहते नहीं हो अपने गाड़ी पर तो आप मारुति इनविक्टो पर रह सकते हो, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो इनोवा हाईक्रॉस को ही आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतना पैसा डाल रहे हो तो ये पैसा भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।